Hello students, now today I am going to start activity 1 of lesson 9 operation on decimal numbers. इसको बच्चों हमने पाइंट मैप के थ्रू देखा, पीपीटी के थ्रू एक्सप्लेन किया. आज हम एक्टिविटी 1 के सम्स सॉल्व करेंगे. इन एक्टिविटी 1 द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स. हमने आपको पीपीटी में भी एक्सप्लेन करके बताया था वीडियो में कि एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं. बच्चों इन आवर एक्टिविटी 1 क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द सम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. सम मींस ऐड, हमें ऐड करना है. इसमें आपको क्या चीज ध्यान रखना है, यू शुड रिमेम्बर कन्वर्ट द अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल नंबर्स. अरेंज द डेसिमल नंबर्स वर्टिकली विद द डेसिमल पॉइंट इज वन लाइन एंड देन एड एंड सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंगली. ये बच्चों हमने आपको पीपीटी के में भी बताया हुआ है कि क्या चीज इसमें ध्यान रखना है. ऐड करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपको डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है एक तो, और उसमें डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट ही आना चाहिए. नाउ द ए पार्ट दैट इज 6.3 प्लस 3.2. अब इसको हम सबसे पहले वर्टिकली अरेंज करेंगे बच्चों. हाउ वी अरेंज वर्टिकली दैट इज 6.3. अब आपने देखा यहाँ पे पॉइंट है, या तो पहले आप सबसे पहले पॉइंट लगा लो. अब जस्ट डेसिमल पॉइंट के बाद कौन सा डिजिट है, टू. तो यहाँ पे हमने टू लिख दिया और डेसिमल पॉइंट से पहले वाला डिजिट क्या है, थ्री. अब हमने इसको ऐड करना, तो थ्री प्लस टू फाइव. डेसिमल पॉइंट के नीचे हमें डेसिमल पॉइंट ही लगाना है. सिक्स प्लस थ्री नाइन, तो हमारा आंसर आ गया 9.5. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट इज दैट इज द सी पार्ट. अब आप इसका सी पार्ट देखिए, 16.468 प्लस 31.03. अब आप कैसे ऐड करेंगे इसे देखें. सबसे पहले हम इसको वर्टिकली अरेंज करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर हमने इसको एज इट इज लिखा. सेकेंड नंबर को अरेंज करना है, तो मैंने बताया था सबसे पहले अपन क्या लगा लेंगे, डेसिमल पॉइंट, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट होना चाहिए. अब हम अरेंज करेंगे इसमें डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद क्या है, जीरो है. तो यहाँ जीरो लिख दिया और यहाँ थ्री लिख दिया. अब ये अनलाइक डेसिमल नंबर्स थे, तो इसको लाइक डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना है. डेसिमल के बाद थ्री मैक्सिमम थ्री डिजिट है, तो यहाँ भी मैक्सिमम थ्री डिजिट बनाना है, इसलिए यहाँ पे हमें जीरो लिखा. अब हमारा डेसिमल के पहले कितना है, वन है, तो डेसिमल के पहले वन फिर नौ भी है. अब हम इसको ऐड करेंगे, एट प्लस जीरो एट, सिक्स प्लस थ्री नाइन, फोर प्लस जीरो फोर. डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के यहाँ लगा दिया. सिक्स प्लस वन सेवन एंड वन प्लस थ्री फोर, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 47.498. नाउ यू सी द नेक्स्ट दैट इज द ई पार्ट. अब हम इसका ई पार्ट देखो जो बहुत इजी है इसको सॉल्व करना, बस आपको ये दो तीन बातें इसमें ध्यान रखनी है. 111.111 then plus 11.11 then plus 1.1 plus 0.001. अब हमें इसे कैसे ऐड करना है. अब आप देखेंगे ये हमारा क्वेश्चन है. सबसे पहले हमने क्या किया, ये वन टू थ्री फोर, फोर डिजिट्स है ना. सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को हमने एज इट इज ली थी, सेकेंड डिजिट अरेंज करना है तो डेसिमल पॉइंट लगाया, इसके बाद वन वन है और इससे पहले वन. क्लियर.
फिर इसके बाद 1.1 है, डेसिमल पॉइंट लगाया, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। फिर हमारा पॉइंट है, फिर 0, 0, 1 है और इससे पहले 0। अब हम इसे प्लस करना है। मैंने कहा था आपको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेना, तो मैक्सिमम 3 है, मींस ये लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे को प्लस करना है, तो 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, फिर डेसिमल, देन 3, फिर 2, फिर आपको क्या चीज याद रखनी है बच्चों की, डिजिट के नीचे हमेशा डिजिट आना चाहिए, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट ही आना चाहिए, तो हमारा जब हम ऐड करते हैं तो उसमें हमारी मिस्टेक नहीं होती है। और हमेशा ये याद रखना है कि डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट ही अरेंज करना है जब नेक्स्ट नंबर को अरेंज करेंगे। क्लियर? तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बच्चों, इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसका बी डी एफ आप होमवर्क में, आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 का बी डी एंड एफ पार्ट सॉल्व करना है। नाउ यू सी द क्वेश्चन नंबर 2। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों। इन क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज द सब्ट्रैक्ट, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। द ए पार्ट यू सी 0.55 फ्रॉम 1.7। अब हमें सब्ट्रैक्शन में क्या याद है, इसमें भी हमें ये याद रखना है कि जब हम इसको वर्टिकली अरेंज करेंगे डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है और डेसिमल पॉइंट के नीचे हमारा डेसिमल पॉइंट ही आना चाहिए। और सब्ट्रैक्शन में हमने पहले पढ़ा है सिंपल नंबर्स में क्या चीज याद रखते हैं, हम फ्रॉम के बाद वाली डिजिट को हम पहले लिखते हैं। तो हमारे यहाँ फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है, 1.7, तो इसको हमने पहले लिखा, फिर उसके बाद हमने क्या किया 0.55 सब्ट्रैक्ट करना है। अब हमारा देखो यहाँ पे मैक्सिमम 2 डिजिट तक था, तो हम यहाँ पे अनलाइक डेसिमल नंबर है, इसको लाइक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, 0। अगर हमने यहाँ सब्ट्रैक्शन में सपोज 0 नहीं लिखा और ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर 0 मेंशन करना बहुत जरूरी है। नाउ वी सब्ट्रैक्ट, अब हमने क्या किया बच्चों, 0 में से स्मॉलर नंबर में से ग्रेटर हम सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, अब सिंपल जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना, तो हम क्या करेंगे यहाँ से बोरो करेंगे, तो ये 0 का क्या बनाएंगे हम 10 और यहाँ पे क्या रह जाएगा 6, तो 10 में से 5 is 5, 6 minus 5 that is 1, then decimal point, अब यहाँ पे डेसिमल आ रहा है इसलिए डेसिमल लिखना मत भूलिएगा, अदरवाइज हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, then you write 1, our answer is 1.15। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए बच्चों, दैट इज 38.4 फ्रॉम 53.72। क्लियर? अब इसमें भी हम क्या करेंगे जल्दी बताइए, अभी हमने फर्स्ट वाले में आपको बताया था फ्रॉम के बाद वाली डिजिट को पहले लिखेंगे, यस हमने लिख लिया 53.72, उसके बाद सब्ट्रैक्ट का साइन, देन डेसिमल पॉइंट के नीचे, फिर ये 483, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक डेसिमल है सॉरी, तो इसको हम क्या करेंगे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए यहाँ 0 लगा दिया। नाउ वी सब्ट्रैक्ट, 2 minus 0 2 7 minus 4 3, नाउ वी पुट द डेसिमल पॉइंट हियर, नाउ 3 में से 8 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो वी बोरो इट फ्रॉम दिस नंबर, हियर इज 13 एंड हियर इज 4, 13 minus 8 that is 5 एंड 4 minus 3 that is 1, आवर आंसर इज 15.32। नाउ द नेक्स्ट सी पार्ट,
The C part is 0.78 from 2.015. अब वापिस हमें क्या ध्यान रखना है, फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखना है 2.015 माइनस साइन, 10 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7.8। अब इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करा, यहां में जीरो लगा और यहाँ पे आगे हम जीरो लगा सकते हैं, इट्स योर चॉइस। अब 5 माइनस 0 5, अगेन बॉरो किया 11, यहाँ पे हमारा रहा 9 एंड हियर 1, 11 माइनस 8 दैट इज 3, नाउ 9 माइनस 7 दैट इज 2, देन पॉइंट एंड हियर इज 1, आवर आंसर इज 1.235। अब आपको आ गया समझ में कि हमें कैसे करना है। वन मोर उसी, एक और देखिए बच्चों, जैसे आपका है एफ पार्ट, एफ वन इज 86.713 फ्रॉम 100। अब यहां पर क्या है, 100 है। अब फ्रॉम के बाद वाला हमने पहले लिखा 100, कोई डेसिमल नहीं है अभी यहाँ पे, और यहाँ फ्रॉम के पहले जो नंबर है उसमें हमारा क्या आ रहा है, डेसिमल पॉइंट आ रहा है। तो 100 को हम ऐसे भी ले सकते हैं ना, यहाँ पे देखिए हमने डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 100 को हम ऐसे 0.00030 लिख सकते हैं, क्योंकि ये विदाउट डेसिमल था हमारे पास, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने 100.000। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाया 713, फिर यहाँ पे 68। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो समझ में आया, बिना पॉइंट के कोई नंबर दिया है उसमें से करना है, तो हमें यहाँ देखना है कि क्या पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, उतने ही जीरो वहां पे हमें लगाने हैं। अब बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ से 10 में से 3 गया 7, देन 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 2, देन 9 में से 6 3, देन 9 में से 8 1, और हमारा आंसर यहाँ पे आप जैसे कई बच्चे इस तरीके से कर देंगे, दैट आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि मैं क्या मिस्टेक करी है इसमें, डेसिमल नहीं लगाया, यहाँ पे क्या लगाना इम्पोर्टेंट है, डेसिमल पॉइंट। क्लियर, अब ये समझ में आ गया आपको, अब इसके जितने रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, दैट इज इन क्वेश्चन नंबर 2, योर होमवर्क इज डी जी एंड आई, दिस इज योर होमवर्क। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, इन क्वेश्चन नंबर 3 यू सी सिंप्लीफाई, अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों, जैसे नंबर ए 16.468 प्लस 3.03 माइनस 12.97, यहाँ पे ये तीनों डिजिट लिखे हैं और इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हम कैसे करेंगे, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उससे इसको सॉल्व करना है। जब 3 नंबर्स गिवन होते हैं तो हम इस तरीके से करते हैं, अगर तीनों ही प्लस में होते तब तो हम एक साथ कर सकते थे, लेकिन प्लस में ये पहले प्लस में है फिर माइनस में, इसलिए हम इसको इस तरीके से करेंगे। पहले हमने लिखा 16.468, देन प्लस डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल, देन 03 एंड हियर इज 3, यहां से। अब हम इसको हमने क्या कर दिया, सिंपली प्लस कर दिया, जैसे हम प्लस करते हैं तो हमारा ये आंसर आ गया 19.498। अब हमने इसको यहाँ पे लिख लिया 19.498 माइनस, अब ये हमारा माइनस था 0.9721, अब ये थर्ड डिजिट, मैंने कहा था इन दोनों को प्लस करने पे जो आंसर आएगा उससे थर्ड नंबर को माइनस करना है,
तो हमने ये लिख लिया। अब हम माइनस करेंगे, 8, 9 में से 7, 2 दैट इज 5, 14 में से 9, 5, 8 8 में से 2, 6 एंड हियर इज 0। तो 6.528 इज योर आंसर। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आप ऐसे ही b वाला सॉल्व करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उससे थर्ड को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे c वाले में तीनों माइनस, ये देखिए आपको c वाला कैसे सॉल्व करना है। c वाले में बच्चों दैट इज 7, 7, 7 प्लस माइनस 77.7 देन माइनस 7.777। ये आपका क्वेश्चन है और इसे आपको कैसे सॉल्व करना है ये बताना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको विदाउट पॉइंट दे रखा है, 777 दे रखा है, तो ये लिख लिया। उसके बाद माइनस का साइन, फिर मैंने बताया था ये एक के बाद ये पॉइंट, इसलिए अपने पॉइंट जीरो लगा दिया क्योंकि यहाँ पॉइंट नहीं था, और इसको 0.7777। अब हमने माइनस किया, 10 में से 7 दैट इज 3, 16 में से 7, 9 अगेन यहां से बॉरो किया, 16 में से 7, 9 एंड 6, तो हमारा गया 699.3। अब हमने इसको यहाँ लिख लिया 699.3, फिर माइनस, अब हमने यहाँ पे अरेंज किया 7.777 और यहाँ पे जीरो लगा देंगे, हाँ 20, क्योंकि पॉइंट के यहाँ बाद यहाँ एक ही डिजिट है और यहाँ 3 है, इसलिए इसको लाइट डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या लगा दिया, जीरो लगा दिया। नाउ वी सबट्रैक्ट, 10 माइनस 7, 3 9 माइनस 7, 2 देन 12 माइनस 7 हियर इज 12, 5 देन डेसिमल पॉइंट इधर से बॉरो किया था, इसलिए 8 माइनस 7 दैट इज 1, अब यहां से कुछ बॉरो नहीं हुआ, 9 एंड 6, तो अवर आंसर इज 691.523। इस तरीके से हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया। अब आपको समझ में आ गया बच्चों, जब थ्री डिजिट थ्री नंबर्स गिवन है तो हम कैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसमें आप डी क्वेश्चन नंबर 3, बी, ई एंड एफ सेल्फ सॉल्व, इसको आपको खुद को ट्राई करना है सेल्फ। अगर आपको नहीं आता, कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे पूछ सकते। नॉन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 40 टू गेट 25.56। इसमें बच्चों क्या करना है आपको, 40.00 माइनस 25.56 आपको इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सबको करना आता ही है, तो आप खुद सेल्फ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम दिस एंड दिस, इन दोनों को प्लस करना है। अभी हमने इतने सम्स करे तो अब आप इसको भी खुद ही करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। अब आपको क्या करना है, 70 में से सब्ट्रैक्ट करना है। इन क्वेश्चन नंबर 6 में आप क्या करेंगे, 70.00 माइनस 56.48। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 770 है, विदाउट डेसिमल था इसलिए हमने इसको लाइट डेसिमल में बना लिया, 0.00 लगा दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, बाय हाउ मच शुड 96.725 बी डिक्रीज टू गेट 45.05। इसमें भी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 96.725 माइनस 45.05, अब आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है।
तो ये 4, 5, 6 एंड 7 आप अपनी क्लासवर्क नोटबुक में सॉल्व करेंगे।